उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, हजारों नौकरियों पर मंडराया संकट, सीएम योगी ने बुलाई आपात बैठक। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 3 महीने के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और ऑफिसर्स की आज अहम बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर आज यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया में कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी और अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी सलाह लेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले शनिवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के साथ बैठक कर स्थिति का पूरा आकलन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपील करने और नई सूची तैयार करने जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। नई सूची में पहले से नौकरी कर रहे 5,000 से 6,000 युवकों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन किया गया। आज मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार उन युवाओं के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी जो इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जून 2020 में जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि फिलहाल कार्यरत किसी भी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षकों के पद के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और इसके लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।